वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपसे लास्ट में एक सवाल भी पूछा जाएगा जो हमारा चिंगारी प्रश्न होता है, और चिंगारी प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल ज़रूर कर लें, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल करके जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3 सितंबर 2021 को अपडेट कर दिया गया है। आप वहाँ से इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, और क्योंकि जितनी भी वीडियो हमारी आती है उस सभी का PDF जो है वहाँ पर अवेलेबल होता है, तो आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सभी को चिंगारी जीत की इस वीडियो के माध्यम से चिंगारी बनाना हमारा काम है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक होगा, हमने वहाँ पर गलती से ओलंपिक टाइप हो गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये सवाल पूछा था। आंसर हो जाएगा 19 पदक जो है इसमें भारत ने जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, जो कि कहां पर हुआ है, टोक्यो जापान के अंदर हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 16वां संस्करण था, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है हमने उसकी एक वीडियो बना दी है, टोक्यो पैरालंपिक 2020, जिसमें किसने कौन से मेडल जीते, किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, और किसने कौन सा पदक यानी गोल्ड स्वर्ण जिसको कहते हैं सिल्वर यानी रजत और कांस्य यानी ब्रॉन्ज, अलग अलग जितने भी देशों ने जीते हैं उसकी संख्या भी आपको बताई गई है कि टॉप में 1 पर कौन है, 2nd पर कौन है, 3rd पर कौन है, इस तरह से सारी चीज़ें। और भारत का पोजीशन याद रखेगा, 24वां स्थान भारत का है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल जो आज का सवाल है वो है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपन ने Formula 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर रहे, और फिनलैंड के जो वॉल्टेरी वोटास हैं उनका जो स्थान रहा वो तीसरा नंबर रहा। हैमिल्टन रहे 2nd पोजिशन पर और वॉल्टेरी वोटास जो है वो 3rd पोजिशन पर रहे। लुइस हैमिल्टन और वॉल्टेरी वोटास दोनों मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से हैं और रेडबुल जो है रेडबुल कंपनी की गाड़ी जो है वो चलाते हैं। मैक्स वर्स्टैपन किसकी चलाते हैं, रेडबुल कंपनी की, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अब करंट अफेयर्स रिवीजन की बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चन हम हर वीडियो में रिवाइज कराते हैं, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो या फिर स्टैटिक जीके के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, तो इन सभी के लिए आप यहाँ पर रेगुलर वीडियोज को जरूर देखा करिए। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ने Formula 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है, ये आपको रिवीजन के पर्पज से याद रखना है। अगला जो सवाल वो देखने से पहले आप सभी से यहाँ पर ये भी बताऊंगा, ये जो कुछ लिस्ट दी गई है इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता, उसके बाद पोर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता, ये वो है देखिए मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की, मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ये आप याद रखिएगा। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, आपको बता चुके हैं रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, नीदरलैंड से संबंधित है यानी नीदरलैंड से ये संबंध रखते हैं, ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं सभी पूछा जा सकता है, तो ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, ये भी मर्सिडीज की चलाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, सर्जियो पेरेज ने जीता, जो कि मैक्सिको की गाड़ी चलाते हैं और रेड बुल, ये मैक्सिको के हैं और रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, ये थोड़ा सा उलटफेर हो गया, इसको इधर होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये कंटेंट राइटर की वजह से हो जाता है कई बार टाइपिंग एरर। देखिए फ्रांस जो है वो कहाँ पर, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये एस्टेबन ओकोन और ये रिनॉल्ट की गाड़ी चलाते हैं, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे ये जो PDF है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो डेली करंट अफेयर्स का एक बुक हमने उपलब्ध कराया है उसके अंदर आपको डे वाइज यानी 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, इस तरह से हर डे वाइज जो है वो PDF उपलब्ध है। आप PDF के आइकॉन पर जब क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिस्ट ऑफ Formula 1 जो F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 था उसकी ये लिस्ट थी।
अगला जो सवाल है वो है, वर्ष 2021 के लिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, जो कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वर्ष 2021 के लिए, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया वर्ष 2021 के लिए। याद रखिएगा सीरियल नंबर 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा ब्रिक्स समिट का, ठीक है, जो 2021 में होगा। इस बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत ने अब तक कितनी बार किया है, तो इससे पहले जो है भारत ने 2 बार कर दिया है और जो तीसरी बार है वो इस बार मौका मिल रहा है 9 सितंबर को, ठीक है। इससे पहले भारत वर्ष 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है, यानी ब्रिक्स समिट की। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और उरुग्वे को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक में यानी एनडीबी बैंक के अंदर नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन हमने कल ही आपको बताया था और यहाँ पर आपको रिवाइज कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ब्रिक्स की पहली बैठक रूस के येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को हुई थी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का कौन सा जिला 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, ठीक है। अगला, जहां पर इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि महाराष्ट्र का मुंबई 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कोविन पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़े यानी डेटा के अनुसार मुंबई ने अब तक 1,63,497 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा हाल ही में महाराष्ट्र 3 करोड़ कोविड-19 टीके लगाने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को जो है 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन जाएगा। ये आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में है कौन सा ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। कई लोग मध्य प्रदेश करके कंफ्यूज कर जाते हैं, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ ये छत्तीसगढ़ में आता है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन जाएगा, क्योंकि इसको बाघ अभयारण्य बनाने की जो है वो बात चली थी, तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा, इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये चौथा और पूरे देश की बात करें तो 53वां। भारत का 50वां टाइगर रिजर्व जो था वो याद रखिएगा कमलांग टीआर अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व जो था वो श्रीविल्लीपुतुर मेघमलाई तमिलनाडु में, ठीक है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये रामगढ़ विषधरी राजस्थान में है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। देखिए ये हिंदी का साथ है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7 अप्रैल ही है, 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, नेपाल। याद रखिएगा कौन बना है, नेपाल बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला जो सवाल है, हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। स्क्वैश फेडरेशन जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन है यानी ASF, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है किसको, साइरस पोंचा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, कब का, कितने वर्षों का होगा, 4 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेंगे। वहीं हांगकांग के डेविड मुई को दूसरे कार्यकाल के लिए ASF की यानी ये जो स्क्वैश फेडरेशन है इसका अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। अब ये ASF क्या है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन इसको कहा जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है, और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि भारत में स्क्वैश के खिलाड़ी कौन कौन है, दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल, ये तीनों काफी फेमस खिलाड़ी हैं स्क्वैश के भारत के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है।
लीडरशिप समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS जिसको कहा जाएगा 2020-21 के हिस्से के रूप में एक प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है, यानी कर रहा है। इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण के लिए एक संवाद का निर्माण करना है। ICS 2021 PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल है जिसे इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। किसने किसके साथ की है? इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की एक पहल है। ये भी आपको याद रखना है, जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ये पहली बड़ी वैश्विक पहल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप याद रखेगा, भारत 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के से 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। गीगावाट, ठीक है, गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। कितना गीगावाट? मेगावाट नहीं है, ये गीगावाट है, 450 गीगावाट। अगला सवाल है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेट मिला है 5-स्टार के साथ। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस चीज़ के लिए, ये भी पूछा जाता है। अगर जैसे कि आप BPSC वगैरह का एग्जाम देते हैं या स्टेट लेवल का PCS एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को जो ये प्रमाण पत्र मिला है ईट राइट स्टेशन के बारे में क्या सही है, और उसके बाद नीचे 3-4 चीज़ें दी होगी जिसमें से एक लिखा जाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये इस प्रमाण पत्र मिला, और इस तरह की चीज़ें और भी 3-4 ऑप्शन में दिए गए होंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है BPSC UPSC के लिए, कि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5-स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन है। अब जैसे पहले में ऑप्शन में आपको दे दिया कि 5-स्टार ईट राइट स्टेशन इसको उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया, उसके बाद दे देगा दूसरा कि यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन है। अब इसके बदले में दे देगा वहां पर 7वां स्टेशन है। अब ऊपर में क्वेश्चन में आपको रहेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक सही नहीं होगा, तो आपको ये 5वां होना चाहिए, वहाँ पर वो 7वां दे रखा है आपके एग्जाम में, तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से और भी चीज़ें दे सकता है। यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये मुंबई में है। मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, और वडोदरा रेलवे स्टेशन, इन सबको जो है ये अवार्ड मिल चुका है, यानी ये सर्टिफिकेट मिल चुका है इससे पहले। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करते हैं। अब पूछ देगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो FSSAI जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच होता है? तो सूर्य किरण ये जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल और भारतीय सेना के जो जवान हैं ये 20 सितंबर से 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे। कहाँ पर होगा ये? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होगा, और ये कब से कब तक होगा? 20 सितंबर से होगा 3 अक्टूबर तक, ठीक है, 2 सप्ताह, लगभग 2 वीक जो है ये होगा, यहाँ पर 2 सप्ताह के लिए होगा। अन्य देशों के साथ भारत के कुछ अन्य सैन्य अभ्यास आपको रिवाइज करा दिया जाता है, करंट अफेयर्स रिवीजन में आप इसको याद रखिएगा। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये इंडोनेशिया और भारत के साथ होता है। एक्वेरिन मालदीव के साथ ये भारत करता है। हैंड इन हैंड चीन और भारत के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच होता है। शक्ति जो है ये फ्रांस और भारत के बीच होता है। युद्धाभ्यास, एक युद्धाभ्यास का भी नाम से एक अभ्यास है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच होता है।
तो इतने सारे युद्धाभ्यास है जो आपको याद रखना है भारत और अन्य देशों के साथ जो होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? समग्र शिक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है असम सरकार के द्वारा, इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 23 साल इनकी उम्र है और 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना लवलीना जो है असम के गोलाघाट जिले के रहने वाली हैं और ये पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है, असम की ऐसी पहली जो है ये व्यक्ति है, महिला है, जिन्होंने ये ओलंपिक में पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम की हैं और लवलीना बोरगोहेन जो है इनका पूरा नाम है। उम्र 23 साल है और ये मुक्केबाजी से संबंध रखती है। उन्होंने 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान में 2020 वाला, तो इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। असम कैबिनेट ने राज्य के ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। हाल ही में असम सरकार ने दहेंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अब सवाल पूछेगा दहेंग पटकाई, आपको ये भी क्लियर हो गया दहिंग पटकाई जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? असम के अंदर है। राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यानों में दहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा शामिल है। तो ये 7 जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये सभी असम के अंदर हैं। अगला सवाल है, रियूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? रियूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है वीर सिंघवी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं और 5ों सवाल का आंसर आज की ही इसी वीडियो में बताया जाता है। तो पहला सवाल है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्त हुई थी? और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ये सभी क्वेश्चन आप वीडियो को रोक करके आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए एक एक करके इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो सब ये तो क्लियर है, सबको मालूम होगा महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सबको पता है, सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा, जो वैशाख पूर्णिमा है उसकी रात्रि के दिन ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है वो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा खुराक के आंसर हो गए। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। हर व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, हर स्टूडेंट को ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। नील कुरिंजी के फूल कितने वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं? अब 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 22 वर्ष। फूल का नाम है नील कुरिंजी के फूल, कितने वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नील कुरिंजी के फूल कितने वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं, आप सभी आंसर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पर इसके PDF को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।